है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, तो मेरे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में जिस तरीके से जो लड़की डांस कर रहा है उसके जो बैकग्राउंड है किस तरीके से चेंज हो रहा है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को चेंज करना है आप लोगों को वीडियो का बैकग्राउंड। आज मेरे वीडियो आप जरूर फुल तक देखते रहना है। तो आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से जो बैकग्राउंड आपको चेंज लाइटिंग लाइट दिखाई देगा, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को या आपको भी वीडियो आपको बनाना है तो आज मेरे वीडियो पर जरूर फुल तक देखते रहना है, क्योंकि आप आज इस तरीके से वीडियो आप लोगों को मैं आज एडिट करना सिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है कैपकट। इस कैपकट का लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अभी इसमें आप कौन सा भी आपको लाइटिंग इफेक्ट कैसे यूज़ करना है, कौन सा क्लिप ग्राफिक यूज़ करना है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लेना है, क्योंकि आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना है। तो आइए आप लोगों को मैं कैपकट एप्लीकेशन के अंदर लेकर जाता हूँ, आप जाकर वहाँ पर प्रोसेस आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन टेक्नो यूट्यूब चैनल। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप जाकर कैपकट ऐप ओपन कर लीजिए, मैं आपका आगे प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों अभी देख सकते हैं जो मेरा जो स्मार्टफोन का स्क्रीन है मैं ऑन करके लिया हूँ। तो आप सबसे पहले तो आपको ये जो सुपर वीपीएन ऐप है ये आपको दो एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगी, इस वाले दो एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगी जिसके हेल्प से अभी आपको जो वीडियो का बैकग्राउंड है ये आपको रिमूव कर सकते हैं, जो कलर चेंज वाला जो है ये आप लाइटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सुपर वीपीएन पर चला जाना होगा, आपको इंटरनेट ऑन होना चाहिए तब भी आपको ये काम करेगा। आपको सुपर वीपीएन आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर के ये आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो इसका डाउनलोड करने के बाद इसको कनेक्ट पर क्लिक करना है, इसको कनेक्ट कर देना होगा। तो अभी आपको थोड़ा सा इस तरीके से आपको ऐड दिखाई देगा, तो ये ऐड आपको क्लोज कर देना होगा। तो देख सकते हैं तो जहाँ आपको जो सुपर वीपीएन जो है इसको अभी ऐड हो चुका है, तो कनेक्ट हो चुका है। तो अभी आपको कैपकट पर चला जाना होगा। तो सबसे पहले तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। अभी आपको जिस वीडियो से आप जो कलर चेंज करना चाहते हैं उस वीडियो को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। तो मैं जैसे इस वीडियो को मैं कलर जो चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो कलर अलग अलग कलर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो अभी आपको इस वीडियो को ऐड करने के बाद तो इसको ऑडियो तो सबसे पहले मैं म्यूट कर लेता हूँ, नहीं तो जो कॉपीराइट का पंगा हो सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मेरे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको चला जाना होगा, जहाँ पर मैं दो लाइटिंग इफेक्ट का लिंक देख रखा हूँ उसको अभी डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ओवरऑल, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो कुछ इस जगह पर आपको क्लिक करना है, ऐड ओवरऑल पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस वाले जो है लाइटिंग इफेक्ट को ऐड कर लेना होगा। तो इसको ऐड करने के बाद अभी आपको दो फिंगर से कुछ इस तरीके से आपको वीडियो को इस तरीके से आपको कर लगा देना है। लगाने के लिए अब लगा देने के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी जो काम आपको बचा है तो कुछ इस तरीके से जो स्पेस जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आपको थोड़ा सा इंटरनेट तो आपको फास्ट है तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो आपको इंटरनेट स्लो है तो इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर जो ये तीसरी चौथे नंबर पर ओवरले जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद आपको सामने कुछ इस तरीके से जो वीडियो है ये आपको दिखाई देगा। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो इस तरीके से वीडियो, तो अभी आपको सबसे पहले अभी आपको फिर से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, बैक आ जाना होगा। तो इसको ओके कर देना है। अभी आपको जो काम करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को आप तरह से भी आप लोग स्किप मत कर लेना, क्योंकि स्किप करोगे स्किप करके देखोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, तब भी अभी इस तरीके से वीडियो बना पाओगे। तो अभी आपको फिर से अभी आपको जो गैलरी है वो आपको ओपन कर लेना होगा। तो ऐड ओवरऑल पर क्लिक करना है। तो अभी आपको जिस फोटो से अभी अभी जो वीडियो आपको पहले को सिलेक्ट किया है उस वीडियो को आपको दोबारा से आपको यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। ऐड करने के बाद ये आपको ध्यान से आपको ये जो है सिलेक्ट कर लेना होगा।
कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको जो है इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है ये आपको रिमूव करना होगा। तो इस वीडियो को रिमूव करने के लिए आपको थोड़ा सा इस तरीके से सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड रिमूव। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा, कुछ इस जगह पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो अभी ध्यान से देखिएगा, तो इस जगह पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको जो है यह आपको बैकग्राउंड जो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके से जो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट करोगे तो आपको जो वीडियो का बैकग्राउंड है ये आपको रिमूव हो जाएगा। तो ये वीडियो को मैं जब थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, ये बैकग्राउंड रिमूव होने देता हूँ मैं। जैसा कि दोस्तों अभी देख सकते हैं जो मेरा जो बैकग्राउंड है ये आपको रिमूव हो चुका है। तो अभी आपको देख सकते हैं, तो आपको सामने कुछ इस तरीके से आपको वीडियो जो है इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो अभी देख सकते हैं जो आपका जो वीडियो का जो ये लेयर है, आप लोगों को जो लड़की जो डांस कर रहा है तो उसमें अभी ज़रा सा भी आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। तो इसको अभी जो यहाँ पर आपको ये कैपकट जो ये है वाटरमार्क है, इसको भी डिलीट कर देना है। इसको वीडियो आपको जितने तक है इतने तक आपको रखना है। बाकी का जो आपको लाइटिंग इफेक्ट है इसको भी स्प्लिट कर देना है। इसको बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसको अभी आपको डिलीट कर देना होगा कुछ इस तरीके से। तो डिलीट कर देने के बाद आपको सामने कुछ इस तरीके से जो वीडियो है, आप लोगों को जो वीडियो का बैकग्राउंड है कुछ इस तरीके से आपको ये लाइटिंग दिखाई देगा। तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप आसान स्टेप फॉलो करके कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड चेंज वाला वीडियो आप बना सकते हैं। तो अभी देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके से। नहीं तो अभी और भी आप लोगों को एक मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ, तो और भी आप एक का आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ, ये भी मैं आप लोगों को कलर चेंज करके दिखाया हूँ। तो इस वाले वीडियो को आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सामने कुछ इसी तरीके से जो वीडियो है आप लोगों को सामने में लेकर आता रहूँगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।